यूं तो सैकड़ों तीर्थ स्थल हैं, लेकिन देवभूमि कहे जाने वाला ऋषिकेश जो माँ गंगा नदी के तट पर स्थित है, भक्ति और आस्था का प्रारूप है तथा तीर्थ के लिए सबसे अनुकूल और पवित्र स्थान माना गया है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। ये भूमि जानी जाती है माँ गंगा के नाम से। देश विदेश से लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। परंतु देवभूमि एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो है भगवान रुद्र का अक्ष यानी रुद्राक्ष। भारतीय संस्कृति में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव शंकर की आंखों के जल बिंदु से हुई है। इसे स्वयं महाकाल का वरदान माना गया है, परंतु इसकी उत्पत्ति को लेकर सबके अपने अलग मत है। रुद्राक्ष जो है सो शिव के पसीना से लोग बोलते हैं कि उत्पत्ति है। पार्वती जी ने आग में कूद के आत्मदाह करा था, तो शिव जी ने क्रोधित होकर उनकी बॉडी को उठा के पूरे विश्व का भ्रमण करा था, और जहाँ जहाँ उनकी बॉडी गिरी वहाँ शिव जी के आंसू गिरे और वहाँ ये रुद्राक्ष का पेड़ हुआ। ये पुरानी कथाएं तो इसमें बहुत सारी हैं और मिथ्याएं हैं, ठीक है। ये एक रुद्राक्ष एक पेड़ का फल है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि खोज किसने करी, वो मैं भी नहीं जानता। रुद्राक्ष वास्तविकता में एक खास तरह के पेड़ के फल की गुठली है, जो ज्यादातर नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। ये अध्यात्म और विज्ञान की दृष्टि में बहुत महत्व रखता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये इंसान को हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए कवच का काम करता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसे धारण करने से हृदय रोग और उक्त रक्तचाप को भी नियंत्रित किया जा सकता है। हिंदू समाज जो है रुद्राक्ष का जो है माला को सेवन करते हैं, पहनते हैं, और इससे आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलती है। जैसे भगवान के चरणों में हम लोग जाने के बाद हम लोग को शांति मिलती है, सुकून मिलती है। विशेषता ये है कि रुद्राक्ष इट्स अ डिवाइन थिंग, बराबर। रुद्राक्ष के अंदर जो दिव्यता है वो कूट कूट के भरी है। मालूम आपको तब चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है व्हेन यू पुट इट ऑन, जब आप उसको पहनेंगे। अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध रुद्राक्ष मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग प्रकार और लाभ होते हैं। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष, इस तरह के रुद्राक्ष में एक ही बिंदी अथवा लाइन होती है। ये स्वयं शिव का स्वरूप है, जो सभी प्रकार के सुख, मोक्ष और उन्नति को प्रदान करता है। द्विमुखी रुद्राक्ष, सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला तथा दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति अथवा तेज प्रदान करता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष, समस्त भोग ऐश्वर्य प्रदान करता है। चतुर्थ मुखी रुद्राक्ष, धर्म, अर्थ, काय एवं मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष, सुख देने वाला माना जाता है। षष्ठमुखी रुद्राक्ष, पापों से मुक्ति एवं संतान देने वाला होता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष, दरिद्रता को दूर करने वाला कहा जाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष, आयु एवं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। नवमुखी रुद्राक्ष, मृत्यु के डर से मुक्त करने वाला माना जाता है। दसमुखी रुद्राक्ष, सौंदर्य और शांति के लिए विख्यात है। ग्यारहमुखी रुद्राक्ष, विजय दिलाने वाला, ज्ञान एवं भक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। बारहमुखी रुद्राक्ष,
धन प्राप्ति कराता है। 13 मुखी रुद्राक्ष शुभ लाभ के लिए प्रसिद्ध है। 14 मुखी रुद्राक्ष संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसके मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और उसके मुख में भगवान शंकर होते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने के कुछ खास नियम और सावधानियां हैं। रुद्राक्ष धातु के साथ पहने जाने पर और भी अलौकिक हो जाता है और ऐसी कुछ और मान्यताएं भी समाज में प्रचलित हैं। कोई भी चीज अगर हम सोने में बना के पहन लेते हैं तो उसकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन सारी खत्म हो जाती है, बराबर। रुद्राक्ष एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। रुद्राक्ष के अंदर एक मतलब जो 5 एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो कूट कूट के भरे। सोने में लगाने का तात्पर्य यही है कि रुद्राक्ष की जो मतलब कुछ अगर किसी के मन में थोड़ी सी भी भ्रांति है कि मैं रुद्राक्ष पहन के ये नहीं खाना वो नहीं पीना, वो गोल्ड में लगाने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सोना कभी भी अशुद्ध नहीं होता। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले इसकी मात्रा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 108 बीट्स का जो महत्व है वो जाप करने में है। 108 इज इक्वल टू ब्रह्म, बराबर। 108 मतलब इट मींस माला, ठीक है। रुद्राक्ष आप कोई भी पहने, अगर माला की बात आती है तो उसकी जो टोटल काउंटिंग है वो 9 होनी चाहिए, बिकॉज 9 इज द पूर्णांक, लाइक 27, ठीक है, 36, 54, 72, 1 तो देखिए मैटर करती है कि रुद्राक्ष कौन सा है। अगर देवी का रुद्राक्ष आप धारण करती हैं तो लाल धागे में धारण करें, है ना, और देवता का रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो ब्लैक धागे में धारण करें, ठीक है। वहीं पर अगर आप विष्णु भगवान का रुद्राक्ष धारण करते हैं तो पीले धागे में धारण करें, अब वो तो सबसे अच्छा गोल्ड में ही रहता है। वो डिपेंड करता है कि कितना मुखी रुद्राक्ष है। और इसका मूल्य इसके 1 से 21 होने और इसके विकसित होने पर निर्भर करता है। इसी कारण बहुत सारी दुकानों पर इसके मूल्य में अंतर देखने को मिलता है। रुद्राक्ष मनुष्य जाति को स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ एक वरदान है, जिसका सही उपयोग करने से मनुष्य जीवन को शुद्ध कर अध्यात्म और शांति के पथ पर चल सकता है और स्वस्थ रह सकता है। First day, task 1, Rudraksh. Yeah. Rudraksh, on the way to location. Director level mal utra.